तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग कनव फैमिली व्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम से। तो यहाँ पे देखिए, कनव के पापा आ गए थे और आते आते उनको थोड़ा सा टाइम लग गया था, लेट हो गए थे। और तो आज का डिनर भी अभी कुछ नहीं बनाया है मैंने, क्योंकि आज बनने वाले थे आलू प्याज के पकौड़े, इसलिए तो बस वो तो गरम गरम ही अच्छे लगते, तो मैंने सोचा चलो रात को ही बनाते हैं। तो ये आ गए थे और कनब भी इधर उधर घूम ही रही थी, और उसको पता चल गया था गेट खुलने के बाद और गाड़ी की आवाज़ सुनते ही उसको पता चल जाता है कि पापा आ गए हैं। तो बस पापा की रट लगा देती है। तो बने रहिए हमारे व्लॉग के साथ में, आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और देखते रहिए। तो ये सुबह निकलते हैं और शाम को ही घर वापस आते हैं, 8:30-9 बजे तक आते हैं। और सुबह निकलते के बाद और शाम को आते आते एनर्जी बिल्कुल लो हो जाती है, क्योंकि आजकल गर्मी आ गई, तो गर्मी में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा एनर्जी लो होती है। किसी का दो पापा के, अरे मैं गर्मी में क्यों बैठी हूँ उतनी देर से। उसका मन होता ना जब ही करती है, जबरदस्ती नहीं करवाते। मैं क्या लाया है, क्या लाया हो दिखाओ, क्या आया है आज, क्या आया है भाई, क्या क्या आया है। कनम के डायपर आए हैं, सॉस आई है, हाँ बाबू की आ गई डायपर, बाबू के केले। अच्छा बाबू वाले केले आए हैं। ये बीन्स और बैंगन आए हैं सब्जी कल के लिए। अच्छा और एक किलो है पूरी का, ये तो टिफिन निकला है। और ये आए हैं, अच्छा खरबूजे भी आए हैं, खरबूजे, अच्छा खरबूजे भी आए हैं, वाह। अच्छा हले हले, हाय कर दो, हाय कर दो, हाय, कैसे हैं आप सब, खुश रहिए। देखो अच्छा किसी कर दो पापा, किसी कर दो, आज के डिनर में कुछ नहीं बना है, किसी कर दो, किसी कर दो, आज के पकोड़े और यहाँ किसी कर दो, किसी के लिए हो रही है जद्दोजहद। किसी नहीं करेगा, किसी कर ही नहीं रहा सवाल, अब बोल मत, चलो 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 चलो। ये देखिए दोस्तों, आज हमारी रसोई में क्या बन रहा है, डिनर में बन रहा है पकौड़े। ये देखिए आप, पकोड़े गर्मा गर्म, यहाँ पे चाय की तैयारी हो रही है। और ये देखिए, और देखिए आप मिर्ची भी बनेगी, आहा हरी हरी मिर्ची एकदम बढ़िया, देखते मुंह में पानी आ रहा है। और ये देखिए हमारे मास्टर शेफ वाह, तो मिलते हैं डिनर में। गर्मा गर्म पकौड़े और साथ में चाय, मज़ा आ जाता है, वो भी डिनर में, वो भी डिनर में और बिना बारिश के। आजा 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 ये चमक चमक, आजा वापस जा रहा है। ये देखिए पतिदेव काम से आने के बाद पकोड़े तल रहे हैं और अपनी बीवी की हेल्प कर रहे हैं, वाइफ की, ऐसा पति भगवान सबको दे। अच्छा बाबू भी खा ले, बाबू खा ले, खा लो खा लो खा लो खा लो, ये देखिए हमारी चाय भी तैयार हो गई है, ये हमारे नाश्ता भी तैयार हो गया है, सॉरी डिनर तैयार हो गया है।
फ्रेंड्स देखिए पकौड़े हमारे तैयार हैं और ये रही हमारी चाय और टाइम हो रहा है ये देखिए इतना टाइम लग गया हमको पकौड़े बनाते बनाते। चाय कम कम डालना है ना? यस और ले ले डालूं मैं डालूं नहीं तो फ्रेंड्स आ जाइए आप लोग भी डिनर कर लीजिए। हाँ नहीं वो पक पक हो गया कनक खेल रही है उधर हम लोग जब तक डिनर कर लेंगे अब हम आपको मिलते हैं डिनर के बाद। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा डिनर हो चुका है और अब हम डिनर करने के बाद में सब जा रहे हैं बाहर घूमने के लिए क्योंकि खाना खाने के बाद थोड़ी देर टहलना चाहिए हमको तो बस टहलेंगे हम तीन। तो फ्रेंड्स खाना खाने के बाद में रात को टहलना ज़रूर चाहिए थोड़े बहुत कदम हमको चलना चाहिए जिससे हमारे पाचन शक्ति मजबूत होती है। तो बस आज का ये व्लॉग यहीं तक था अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अचानक टहलते टहलते हमको दिखा ये चांद और इतना खूबसूरत लग रहा था हल्के से बादल थे इतना प्यारा लग रहा था इसको देख के बहुत दिल खुश हो गया। मामा आ जाओ कुछ 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 बुलाओ चंदा मामा। तो मिलते हैं एक और बढ़िया से व्लॉग के साथ में तब तक के लिए।